हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, पैरों में क्यों पहना जाता है काला धागा? जी हाँ दोस्तों, सुखी और समृद्धिशाली जीवन के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। कुछ उपाय ऐसे हैं जो हर कोई अपना सकता है और इसके ज्योतिषी लाभ मिलने के साथ साथ वैज्ञानिक लाभ भी है। और फैशन के नजरे से भी इन उपाय को अपनाने में लोगों को दिक्कत नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, पैरों में काला धागा बांधना भी उन्हीं उपाय में से एक है। आपने कई महिला और पुरुषों के पैर में काला धागा बांधे देखा होगा। बहुत सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी है जो अपने पैर में काला धागा बांधते हैं। हालांकि कुछ लोग केवल काले धागे को फैशन के नजरे से देखते हैं, मगर दोस्तों आज हम आपको इसके कुछ धार्मिक पहलू के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं पैरों में काला धागा बांधने का धार्मिक पहलू क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। शनि ग्रह को काफी पावरफुल ग्रह माना जाता है। इसके स्वामी शनि देव होते हैं जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। दोस्तों, शनि देव के क्रोध और प्रकोप से भी सभी वाकिफ है। ऐसे में शनि ग्रह को मजबूत बनाने या फिर शनि दोष से बचने के लिए उपाय के तौर पर आप काले धागे को पैर में बांध सकती है। जी हाँ दोस्तों, शनि के प्रकोप के कारण आपकी सेहत खराब हो सकती है या फिर आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों आप पैर में काला धागा पहनते हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं या फिर आपको व्यापार में घाटा हो रहा है तो इसका कारण भी आपकी कुंडली में किसी ग्रह का कमजोर स्थिति में होना हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको कुछ राहत मिल जाए तो आप पैर में काला धागा जरूर पहने। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा होते होते अचानक से सब कुछ बुरा होने लगता है। दोस्तों, इस दशा में आमतौर पर लोग यही कहते हैं कि व्यक्ति को किसी की नज़र लग गई है। हिंदू धर्म में नज़र दोष के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। बुरी नज़र का भी वही तात्पर्य है। ऐसे में बुरी नज़र से बचने के लिए या फिर बुरी नज़र उतारने के लिए बहुत सारे उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। दोस्तों, पैरों में काला धागा बांधने से भी बहुत लाभ मिलता है। खासतौर पर यदि आपको कोई नकारात्मक शक्तियां परेशान कर रहे हैं तो वह नष्ट हो जाती है। दोस्तों, राहु और केतु ग्रह भी व्यक्ति के जीवन को बहुत ही प्रभावित करते हैं। यदि आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह कमजोर है तो आप पैर में काला धागा बांध सकते हैं। आपको बता दें कि ये दोनों ही ग्रह छाया ग्रह होते हैं और राहु ग्रह को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। यदि यह दुश्मन ग्रह के साथ मिल जाए तो आपको जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा इससे आपका निजी जीवन प्रभावित होता है। तो दोस्तों, इस दोष से बचने के लिए आप पैरों में काला धागा बांध सकते हैं। दोस्तों, काले धागे को हमेशा भैरवदेव मंदिर में ले जाकर ही पहने। आपको काला धागा पैर में पहनने के बाद कम से कम 21 बार शनिदेव का बीज मंत्र जपना चाहिए। तो दोस्तों, ये मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः। काला धागा धारण करने का सबसे अच्छा दिन शनिवार होता है। काले धागे के साथ कभी भी लाल और पीला धागा धारण ना करें। काला धागा पहनने के बाद आपको रोज गायत्री मंत्र का 11 बार जाप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ये करने से आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे और लक्ष्मी जी की कृपा होगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप तक आपने काला धागा पैर में नहीं बांधा है तो अवश्य बांध लीजिएगा, क्योंकि इससे कई गुना ज़्यादा फायदा आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।